भी बैठक में मौजूद थे। भारत समाचार से खास बात में उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज निवेशकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इन्वेस्टर समिट का जो सफल आयोजन हुआ था उसके बाद की जो आज बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत महत्वपूर्ण है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हम लोग अपना लगे हुए हैं और वहाँ तमाम निवेशक जो कि तैयार हैं, जिनके पास भूमि भी तैयार है, जहाँ ग्राउंड उनकी क्लियरेंसेस भी हो गई हैं, तो इस प्रकार के निवेशकों के साथ आज बैठक करके कि कोई तैयारी में कोई कमी ना हो, तो इसलिए आज बैठक की गई। कुल कितने निवेशक आज की बैठक में रहे या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे? देखिए, जो 50 करोड़ से ऊपर के निवेशक हैं वो करीब 80 के करीब हैं जिनसे आज बातचीत हुई, और 50,000 करोड़ से ऊपर का निवेश हमें एक प्रस्तावित है। निवेशक यूपी का रुख कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से अपने अपनी नीतियों को, अपने क्रियान्वयन को अगर हम बेहतर बनाएंगे और उद्यमी को लगेगा कि हाँ ये वाकई आदर्श गंतव्य है तभी यहाँ आएगा, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, लगातार हम निर्णय ले रहे हैं और निश्चित रूप से उद्यमियों के लिए एक जो प्रो इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम है वो बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे अनूप चंद्र पांडे जी, जिनका कहना है कि निवेशकों को कोई भी दिक्कत ना होने पाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम जो दूसरे राज्य हैं उनसे प्रतिस्पर्धा बाकायदा चल रही है। फरमान अब्बास, भारत समाचार, लखनऊ।